उतरते ही यहाँ पे एक एक फ्रेग यहाँ पे ले चुका है, तीन पेयर बचे हैं यहाँ पे, डेंगी राज एंड नॉटी बॉय, देखते वाली फाइट कैसे जाएगी। बट यहाँ पे सोनिक को लॉकडाउन कर रहा है एंड महेश को भी नॉकडाउन करा विद द सेम स्प्रे। अब एक पेयर बचा हुआ है एपेक्स यहाँ पे, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि एक और पेयर कहाँ पे है, बट राज ने यहाँ पे शेतन को नॉकडाउन करा, इट विल बिकम ओके। सो किल्सम को भी नॉकडाउन करा यहाँ पे राज ने, दो प्लेयर नॉकडाउन कर चुके हैं वो, एंड राज ने एक और प्लेयर नॉकडाउन करा स्पाइडी को, इट विल बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग, आर बी नॉट ओपी, वो आखिरी बंदे बचे हैं यहाँ पे एस्टेक ई स्पोर्ट्स के। एंड एपिक्स को यहाँ पे फिर से नॉकडाउन करा यहाँ पे मैड राइवल ने, फिनिश करा, एंड क्योंकि बिकॉज वहाँ पे रेव मिल चुका था, इट विल बिकम वन वर्सेस वन सिचुएशन जहाँ पे एक और प्लेयर हाइप का वहाँ पे नॉकडाउन है सोनिक, तो कोई यहाँ पे रिवाइव देने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे राइवल ने देखे कि वो बिल्कुल बाहर निकले और शायद से रिवाइव करने की कोशिश कर सकते हैं, बट यस एक और बुलेट हिट करा दी है जो महेश है, वो बस एक गोली के मेहमान है, हील करने की गलती करी है, देन काफी ज्यादा मुश्किल होगा, उन्होंने हील कैंसिल कर दिया है। बट सोलवे नंबर पे एस्टिक जो हमारे चैंपियंस है फर्स्ट और थर्ड गेम के, वो यहाँ पे बाहर हो चुके हैं। राइवल जैसे हील करने की कोशिश कर रहे थे वहां पर सोनिक, राइवल ने रशन किया और टीम हाइप का भी सफर खत्म कर दिया, उन्होंने माइनस 40 के दो प्लेयर्स को स्मोक ही नहीं होती देर में गाड़ी फोड़ी और एडी का गेम यहाँ पे खत्म कर दिया। रौनक ने वहां पे एमजे का किल कंफर्म किया एंड ये एक फेयर एंड स्क्वेयर नॉकआउट किया था, किल कोई और ले गया क्योंकि फनाटिक अभी भी तीन पॉइंट्स ही हैं। और अब हमारे पास धीरे धीरे करके पेस खत्म होते जा रहे हैं, मैच जो एमजे है उनको रिवाइव किया जा रहा है, सेल्स के रेड कोशिश करेंगे बट ओआर के मवी ने वीरू को नॉकआउट कर दिया है। यहाँ पे ओआर के पास एक अच्छा रेजर जो उसका अच्छा फायदा उठा रहे हैं, 420 ने एक अच्छा रिप्लाई दिया यहाँ पे मवी को नॉकआउट करके, एंड दिस इज अ परफेक्ट टाइम यहाँ पर अगर सर्कल क्लोज आउट करना है देन अभी करना पड़ेगा टीम फनाटिक को, बिकॉज सर्कल अब 8 सेकंड के अंदर चलना चालू करेगा और एज वी आर इन लेट गेम जो बिगर साइड होती है वहां से काफी जल्दी रोटेट करता है। गॉडल के गिल ने अपनी ग्रेनेड से एल्स के मैट को नॉकआउट किया, गिल ने किल भी कंफर्म करी मैट को मारकर। अब रौनक एंड एश अपनी सुपर कार के साथ कोशिश करेंगे और उन्होंने अच्छा एंगल, एक तरफ गाड़ी एक तरफ पत्थर है, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, उनके जस्ट पीछे है फाइनल बॉस, फाइनल बॉस रोटेट करते हुए दिख रहे थे, काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और स्काउट ओपी ने सेल्स एमजे का किल कंफर्म किया, गिल ने वहां पे रौनक को नॉकआउट कर दिया है, उसे वो खेल रहे हैं। बट सेवन जो सेवन सीज के फाइनल बॉस है, ही इज टेकिंग दैट ब्लू जोन डैमेज बट ज्यादा दे नहीं बच पाएंगे, एल्स सातवें पोजीशन पे निकलती है 2 किल के साथ। बट अब फनाटिक का स्क्वाड रौनक वहां पे थोड़ा सा प्रोन डाउन जब हुए वहां पे गिल ने चांस उठाया वहां पे डीएमआर मिनी 14 से वहां पे उनको नॉकडाउन करा एंड रिवाइव मिल गया यहां पे एश की तरफ से। बट अब कैरी सामने स्पॉट हुए स्काउट ओपी के स्प्रे से, स्मोकी को भी उन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज दिया है बट स्काउट एंड उनकी टीम को यहाँ पे अंदर जाना पड़ेगा। बट अब गॉडल्स का स्क्वाड सामने से बहुत ज्यादा डैमेज दे चुका है, फर्स्ट एड किट यहाँ पे पॉप करनी बहुत जरूरी है, प्लस यहाँ पे जोन का डैमेज पड़ेगा वो चीज बाद में हो पाएगी, बट स्टिल ही हैड टू गो टू द जोन एंड यहाँ पे इस वाले ट्री का कवर लेके ही कैन पॉप अ फर्स्ट एड ओवर हियर, ही कैन हैव अ गुड टाइम ओवर देयर। बट यहाँ पे उनकी स्क्वाड को दिक्कत आ सकती है, यहाँ पे एश ने यहाँ पे फाइनल बॉस को खत्म करा जो कि जोन के बाहर थे एंड यहाँ पे इंटेंस एंड सेवन सीज का स्क्वाड एलिमिनेट होते हुए इस वाले मैच से। स्काउट ओपी का यहाँ पे किल मिलता हुआ उन्हें जाल का जाल के रूप में, फनाटिक यहाँ पे 9 पॉइंट्स के साथ 3-man स्क्वाड फाइनल सर्कल में जाती हुई, जो कि मेरी ख्याल से 2 टीमें बची हुई यहाँ पे एंड 2v3 सिचुएशन है ओआर वर्सेस स्काउट एंड उनका पूरा स्क्वाड जिंदा है। एंड देखते हैं मेरी ख्याल से फनाटिक के लिए ग्रीन लाइट रिवाइव दे सकते हैं, वापस से 3v2 सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है। बट यहाँ पे रौनक नॉकडाउन होते हुए वापस से वहां पे उनको सिर्फ अपनी पोजिशन होल्ड करनी थी थोड़ी देर तक, बट यहाँ पे ओआर का स्क्वाड बहुत प्यारा खेला, दलजीत यहाँ पे अपनी राइट साइड करेंगे। बट यहाँ पे स्काउट यहाँ पे आ चुके 1v1 फाइट के लिए, क्लोज एनकाउंटर एक एम यहाँ पे, बट मावी निकालते वाली 1v1 फाइट, वहां पे माइक्रो ओजी वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वापस से फनाटिक का भार एश के कंधों पे, क्या ये वाली फाइट एश निकाल पाएगा। बट मावी के पास है माइक्रो ओजी, एश है एश के पास यहाँ पे एक AKM है एंड फर्स्ट एड उन्होंने अभी तक पॉप इन नहीं करी है, क्या यहाँ पे वेट करेंगे। बट अब एश को भी निकाले, ऑरेंज रॉक गॉट अनदर विनर, विनर चिकन डिनर एंड एक